हेलो। हाँ माँ बोलिए, देवरानी और जेठानी की कहानी कहाँ तक पहुँची? अरे बहू, आज तो बस इस कहानी की खूबसूरत एंडिंग होने वाली है। सच में हैप्पी एंडिंग होगी। हम सबके लिए सचमुच बहुत ही खुशी वाला दिन है। सही मायने में शिया मालविया आज शिया पेठे वाला बनी है। आज हमारी बहू ने अपने हाथों से पहला पेठा बनाया है। हैप्पी श्री गणेश हुआ है आज। एक बात कहूँ, आज विश्वास हुआ है कि श्रेया के भूषण की शादी करा के हमने कोई गलती नहीं की है। जो लड़की पेठा बनाने जैसी नाजुक कला को जान सकती है, तुम देखना वो रिश्तों की नाजुक भावनाओं को भी समझेगी। जी माँ, बिल्कुल बिल्कुल सच कहा आपने। राजू, प्यार और सब ठीक है, लेकिन तू सेंटी मत हो। तू कैसे करेगा शादी से? हाँ, और फिर कल कल तुझे यूएस की नौकरी के लिए भी तो निकलना है ना। अजय, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। तू और मैं मिलके इसको यहाँ से भगा सकते हैं। ये अडल्ट है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। शादी के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने इसके लिए एक रेंटेड फ्लैट देखा है, संजना वहीं रहेगी। तू बस इसका ख्याल रख। मैं यूएस जाके 2-3 महीने में सेटल होके संजना को वहीं पे बुला लूंगा। सब ठीक हो जाए, सब स्मूथली हो जाएगा यार। बड़ा पंगा ना हो जाए। मैंने सोच लिया है, संजना मेरी है, ये शादी हम करके रहेंगे, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। हेलो श्रेया पेठे वाला, कैसी रही? और श्रीमती विनती पेठा वाला क्या पक रहा है भाई? डोंट डिस्टर्ब, काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ये तो खुशबू ही बता रही है। और पता है, पेठा कंपटीशन वाले जजेस हमारे दुकान में 2 बार आए थे और उनके रिएक्शंस देख के लग रहे थे कि वो लोग क्वाइट इम्प्रेस्ड है ना भाभी? और नहीं तो क्या। अरे वाह विनती, ये चोट कैसे लगी? विनीति, क्या कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं मामी जी, छोटा सा बने, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात सुनिए ना, आज मेरा हाथ जल गया था और श्रेया को मजबूरी में पेठा बनाना पड़ गया और वो पेठा बनाना सीख गई। भाभी, क्या सच में श्रेया ने पेठे बनाए? वो भाभी की मदद से मैंने बनाए। आप लोग को चक्के देखना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नानी माँ, आपको पता है आज इतना बिजनेस हुआ, इतना बिजनेस हुआ कि गल्ला भी छोटा पड़ गया। माँ, देखा आपने, मतलब हमारी बहुओं के हाथ में तो जादू है। पहली बार गल्ला संभाला और लक्ष्मी देवी उसमें समा ही नहीं पाई। विनती, श्रेया, क्या ये तुम्हारे लिए? और श्रेया, ये तुम्हारे लिए। याद है माँ, ये मेरी पहली कमाई के हैं, आज तक खर्च नहीं किए थे। शायद इसीलिए, क्योंकि आज इसके असली हकदार मेरे सामने। अरे ठीक है ठीक है। थैंक यू पापा। अरे कितना अच्छा लगता है जब पूरा परिवार मिलके एंजॉय करता है। थ्री चीयर्स फॉर पेठे वाला। अरे लेकिन हम सब यहाँ हैं तो अजय कहाँ है? ये जो काम हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा और आई थिंक बहुत डेंजरस है, तो अच्छा होगा कि घर वालों को कॉन्फिडेंस मिले। अजय, तुमने प्रॉमिस किया था तो किसी को नहीं बताएगा, मेरा साथ देगा। मैं जानता हूँ तेरी फैमिली तेरी फ्रेंड है, लेकिन इस बात को वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अजय, एक बार सब स्मूथली हो जाने दे, मैं खुद सब बातें बता दूंगा। पर नहीं अज्जू, अगर मामा जी ने मदद कर दी तो? मामा जी, मुझे मालूम है मामा जी और संजना का कितना बड़ा पंगा हो चुका है, पर इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार, प्लीज। अजय, थैंक यू।
मामा जी आप, वो क्या है कि ना वो अज्जू वाली जो बात है ना वो है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, लेकिन तुम एक बात समझ लो, ये सरासर गलत है। मामा जी हमारी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कैसे देवर हो तुम, सुबह से एक बार भी अपनी भाभियों को ऑल द बेस्ट कहने नहीं गए? मुझे बताओ ये राम बलराम की जोड़ी ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम में बिजी थी? मामा जी एक्चुअली हम ना एक्चुअली कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। जी चलो। जी जी भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? रहने दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे। अरे मैं कर रही हूँ ना, दो मिनट लेगा सब फटाफट हो जाएगा। भाभी हम लोग किस लिए है? हम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ का काम कर लो, मैं रसोई साफ कर देती हूँ। देखा हो गई ना तेरी कच्ची। किस बात पे? श्रेया वाली? और नहीं तो मेरे वाली। अरे देख ले, दो दिन पहले आई है बहू, और कैसे सेवा कर रही है अपनी जिठाने की। बड़ी आई भूषण की चॉइस की मीन मेघ निकालने वाली। आप खुश हो ना? आपके घर वाले भी खुश हैं। बस तो फिर मेरी कच्ची भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हूँ बेशक होने तो। किसी आनी बिल्ली खम्बा नोचे। चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है ना, और मुझे तो और भी जल्दी उठना है। चलिए चलिए चलिए। कुछ पता चला मामी जी क्या बनाने वाली है? अरे इलायची देवी चाहे जो बनाए, हमारे तो बुरे हाल होने वाले हैं। पापा मैं तो कल व्रत रखने वाला हूँ। अरे और मामा मेरा तो मैच चाह रहा है, मैं किसी भी हालत में बीमार नहीं पड़ सकता, सो प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस। मैं तो लिक्विड डाइट पे हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ करना पड़ेगा ना मुझे। बेबी जब भी कुछ शुभ होने वाला होता है ना तो उस सुबह मम्मी कुछ मीठा बनाती है। कॉम्पिटिशन? हाँ लेकिन अपने हाथों से बनाती है। एंड सॉरी टू से मगर मम्मी के हाथ का खाना ना किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। सबको खाना पड़ेगा? हाँ लेकिन सबसे पहले तुम्हें और मिंदी भाभी को खाना पड़ेगा। How mean? आप लोग गए नहीं अभी तक, जाइए आप लोग, मुझे और श्रेया को बहुत सारा काम है, हम शॉप बंद करके आ जाएंगे। जाइए। हाँ हाँ जी भाई। चलो चलो चलो, हम तो रेस्टोरेंट में खा लेंगे। चलो। अरे लेकिन विनीति हम आप लोगों की हेल्प करते हैं ना यार। अमर जी कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से जो दो लोग कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं ना उन्हीं को सारा काम करना पड़ेगा। अगर किसी ने देख लिया कि आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और आज जितनी भी मेहनत हमने की है ना आई वेस्ट। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं जाओ भूषण और ड्राइवर और गाड़ी भेज देना प्लीज, बहुत गर्मी है बाहर। ठीक भेज देता। बाय। यू टेक केयर। बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके यार अजय मुझे नींद नहीं आ रही है यार। ये क्यों? एक के बाद एक डरावने सपने आ रहे हैं जिसमें संजना की शादी हो रही है और मैं बस स्टैचू बन के उसको विदा होते हुए देख रहा हूँ। यार सपने में तो कुछ भी पॉसिबल है यार, छोड़ ना सो जा। नहीं अजय अगर ये सपना सच हो गया ना मैं अपनी जान दे दूंगा। अबे यार पागल है क्या? धर्म जी की साली मरेगा, तूने कुछ सोचा है? अरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घर वालों को साथ में रखते हैं, अब अपनी टेंशन भी कम हो जाएगी और सेफ रहेंगे, और बड़े भैया लोगों की मदद भी मिल जाएगी। तो फिर से वही राग अलापने लग गया अजय, तुझे जिंदगी में एक बार मेरी खुशी नहीं देखी जा सकती क्या? कभी तो मेरा कहा मान। देख अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे कह दे, मैं अकेला मैनेज कर लूंगा। कौन कह रहा है तू अकेला है? मैं हूं ना तेरे साथ। अगली बार तूने अगर से बात की ना तो देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मैं तेरे से बात मत करता। ये कौन है? अम्मा जी आप ये फूल
रसोई में आधी रात को क्या चल रहा है? पेट क्या? पेट पूजा? मैंने सिटी बेकरी से कुछ कपकेक्स ऑर्डर किए थे, उन्हें छुपा रहा था। कपकेक्स क्यों? क्या बताऊं, तुम्हारी मामी ने हम सबके लिए कपकेक्स बनाए थे। जरा सोचो, अगर मामी के हाथ के बने कपकेक्स हम सबको खाने पड़ते तो क्या हाल होता। इसलिए मैंने, समझे? तो बनाने वाले भी खुश और खाने वाले भी। लेकिन ये तो चीटिंग है ना मामा जी। अरे यार, अपनों की खुशी के लिए थोड़ी बहुत चीटिंग करना अलाउड होता है। छोटी सी बात छिपाने से अगर दूसरों को खुशी मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओ गौतम बुद्ध, जाके सो जा, नींद आ रही है। और ये जरा रख दीजिए। हाँ। ठीक है। अरे ये वहीं रख। हाँ ठीक है ठीक है, चल जाओ। थैंक यू मामा जी, आपने मेरी जंबो से इस कंफ्यूजन दूर कर दी। कमाल बनाया माँ। कैसे बनाया? मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि घर के बने हैं। Awesome. है ना? सच्ची माइंड ब्लोइंग। सच्ची माँ बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, ये इतने टेस्टी, मैं तो 3-3 कप केक खा चुकी हूँ। मामी जी, दिस इज रियली ऑसम। है ना? दोनों बहुत सारे बनाया मैंने। और मामी बाद में। एक आइडिया आ गया है, देखिए बताइए कैसा है। इलायची देवी, क्यों ना कपकेक्स की दुकान खोल दी जाए? Why not? विद्धि भाभी, हमें निकलना चाहिए, फूड क्रिटिक्स आते ही होंगे हमारे पेटे चखने के लिए। चलो 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 चलो। माँ, ये रास्ते में खा रहा हूँ मैं। और एक ले लो। नहीं नहीं, एक ना। बहुत बढ़िया बने थे। चलो, कपकेक्स अच्छे बने हैं ना? अच्छे? अरे कहा ना मैं बढ़िया बने हैं। क्यों, आपको पसंद नहीं आएगा? नहीं नहीं, मुझे वो आपका कपकेक्स की दुकान वाला आइडिया बहुत पसंद आया। पसंद आया ना, तो दुकान जरूर खोल देते हैं। है ना? वो आप आगरा सिटी बेकर्स से बात कर लीजिए ना। ठीक है, ये रहा नंबर। आपके कुर्ते की जेब में मिला। भाव बहुत बढ़ा दिया है ना उन्होंने। नहीं, वो बात ऐसी थी कि बस बिकी जी, अपने बनाए हुए कपकेक्स मैंने टेस्ट कर लिए थे कल, वो ऐसे नहीं थे। I'm sorry. चलो माफ कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि आप पे तरस आ गया, इसलिए क्योंकि कपकेक खाते हुए अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है मुझे। Thank you very much. आशीर्वाद दीजिए। अरे जुग जुग जी, लेकिन तुम कौन सी कंपटीशन में जा रहे हो? आज अजू और मेरा एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, तो आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें यश दे दे। थैंक यू। जल्दी आया तू। एनीवे मेरा प्लान सेट है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तू जरा यहाँ पे संभाल है, ठीक है? अबे पागल, सबके सामने जाएगा क्या बेवकूफ? सामने से नहीं, पीछे से जा रहा हूँ। तेरा प्लान एकदम बकवास है। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ की कतरी मैं संभालता हूँ, तू सीधा कोर्ट जा। कोर्ट क्यों? अकलमंदी इसी में ना, तू सबसे पहले शादी जाके कोर्ट में रजिस्टर करा ले। यार मैंने वहाँ तेरा टाका बढ़ा दिया, तू बस कोर्ट जा, खत्म। लेकिन संजना, उसका क्या? तेरे को मेरा भरोसा नहीं है? यार तुझ पे मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तो लेकिन वो खड़ूस अग्रवाल है ना यार। यार मैं घर से सॉलिड आशीर्वाद लेकर आया हूँ, सब कुछ सेट है, ठीक है? तू बस कोर्ट जा, वहां की तैयारियां कर।
है एहसान उधार। अरे दोस्त के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, अभी तू जा जा निकल, टाइम वेस्ट मत कर। में भूषण मैंने इसी बैग में रखी थी। तो कहाँ उड़ गई तुम्हारी चाबी? बैग की चेन भी किसी ने नहीं खोली, पता नहीं चाबी कहाँ चली गई। यार ठीक से याद करो कहाँ रखी है तुमने, कहीं तो रखी होगी तुमने, याद करो। मुझे याद है मैंने चाबी बैग के अंदर रखी थी, इसी चेन के अंदर। एक मिनट भूषण, ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घर से दूसरी चाबी मंगवा ली, आ जाएगी। हाँ बेटा। और श्रेया चिंता की कोई बात नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं जी, हम दुकान खोलने ही जा रहे थे। अब अंदर जाकर आप पेठा चख लीजिएगा और अपना फैसला सुनाइएगा। पेठा चखना तो सिर्फ एक बहाना है, वरना आपकी दुकान के आगे अगरे में है कोई पेठे की दुकान, रिकॉर्ड होल्डर है आप लोग। सुना, हमेशा कॉम्पिटिशन तो आप ही जीतते हैं। अरे बोलो बेटा बोलो। खुल जा सिंह सिंह। रिलैक्स, अब देखना तुम्हारे ऊपर तारीफों की बारिश होने वाली है। स्माइल। मेरे ऊपर क्यों? हम दोनों के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने तो वही बनाया जो आपने बताया। टीम वर्क, टीम वर्क। और जिंदगी भर के लिए लॉकअप में सड़ा देंगे उसे। इस जेल खाने के अंदर घुसा कैसे जाए? आइए आइए। सब कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है दुकान में भूचाला है। अब हम कैसे पेठा टेस्ट करें? लगता है कोई जानवर आया होगा यहाँ पे। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कोई चोर आया है। अरे नहीं चाची, कोई जानवर चोर नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम आए थे दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। हाँ चोर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चोर होता तो पैसे चुराता, लेकिन गल्ले को छुआ तक नहीं गया। मुझे लगता है ये हमारे किसी कंपटीटर का काम है। लेकिन ताला तोड़ने का तो कोई सबूत ही नहीं है, और दरवाजा तो आप ही लोगों ने खोला था ना। मुझे लगता है वो खोई हुई चाबी का किसी ने गलत फायदा उठाया। अरे अरे भाई, हम तो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी, फलदार वृक्ष पर ही तो पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा पेठा सबसे बढ़िया है। क्यों? अरे हिम्मत तो देखो उस नाचपिटे की, ऐसी हरकत की है कि बस। अरे माँ आप भी जरा ये तो सोचिए, हमारे लिए बढ़िया बात यह है कि हमारी दोनों बहुओं ने सबसे हटके काम किया है, बढ़िया पकाया भी और बढ़िया कमाया भी हैं? सो तो है। और फिर आगरे में अपनी ऐसी धाक है कि कोई माई का लाल हमारे जैसा पेठा बना के तो दिखाए। हाँ राइट लोकचंद जी, यही तो मैं भी कहता हूँ, और हमारे घर के सारे लोग आपकी दुकान का पेठा खाते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये कंपटीशन आप ही जीते। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, कल के स्कोर के हिसाब से आप लोग लीड कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है। क्या? यही कि ऐसे हालात में हम आपका पेठा टेस्ट नहीं कर सकते, आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं।